कि अभिषेक बदनाम हो गई मोहब्बत मेरी, अभिषेक बदनाम हो गई बेतहाशा मोहब्बत मेरी, यार मैं अब उसको मुसलसल याद कर रहा हूँ। कि जिस वजह से वो बेवजह मेरी तरफ नजरें उठाता है, कि जिस वजह से वो बेवजह मेरी तरफ नजरें उठाता है, मैं अब उस वजह को बेवजह समझने लगा हूँ। और मैं उसकी तरफ नजरें करूं ऐसी कोई वजह तो नहीं, और मैं उसकी तरफ नजरें करूं ऐसी कोई वजह तो नहीं, पर उसको मुझे बेवजह देखना ये वजह मैं अब समझने लगा हूं। कि एक और है, तेरी सोहबत में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सोहबत का मतलब होता है तेरे पास रहेंगे या तेरे साथ रहेंगे, संगत। तो तेरी सोहबत में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, सजदा तुझको करेंगे तो अच्छा रहेगा, फक्र होगा इबादत करता हूँ मैं तेरी, फक्र होगा इबादत करता हूँ मैं तेरी, खुदा तुझको कहेंगे तो अच्छा रहेगा। कि एक लिखी थी कि मुझे अब डर नहीं लगता। दरख्त का मतलब होता है तना, जो एकदम जड़ मौजूद बैठा रहता है। कि यूँ दरख्त बेखौफ होकर तालियां बजा रहे हैं, यूँ दरख्त ये बेखौफ होकर तालियां बजा रहे हैं मेरे महबूब की बेवफाई पर। ऐसे ये खौफनाक मंजर सुन के इनका दिल नहीं पिघलता। एक मैं हूँ जो सुनाता जा रहा हूँ, एक मैं हूँ जो सुनाता जा रहा हूँ उसकी बेवफाई का किस्सा गालिब। ये खौफनाक मंजर सुनाते हुए अब मुझे डर नहीं लगता। कि वो हसीन लम्हात, वो हसीन लम्हात मेरे उसके साथ आशियाना बनाते थे गालिब, वो हसीन लम्हात मेरे उसके साथ आशियाना बनाते थे गालिब, अब ये शीशे की तरह बिखर जाएं तो मुझे अब डर नहीं लगता। इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी, इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी मैं हुआ नहीं फिर से उसका गालिब, इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी मैं फिर से हुआ नहीं उसका गालिब, फकत ये महफिल भी मुझे ठुकरा दे तो मुझे अब डर नहीं लगता। कि अगली लाइन नज़र कर रहा हूँ, कि उसकी मासूमियत जैसे, उसकी मासूमियत जैसे हिजाब सा नकाब था गालिब, उसकी मासूमियत जैसे हिजाब सा नकाब था गालिब, चाहे ये शैतान भी बाहर आ जाए तो मुझे अब डर नहीं लगता। ये अगली पंक्तियाँ हैं, कि अब ये दुनिया कहती रहे, कि अब ये दुनिया कहती रहे बेशरम बेगैरत फिर से इस बार, कि अब ये दुनिया कहती रहे बेशरम बेगैरत फिर से इस बार, इस मतलबी जमाने की बातों से मुझे अब डर नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं छुपाता नहीं हूँ तन्हाइयों को मेरी, मैं छुपाता नहीं हूँ तन्हाइयों को मेरी, सुना देता हूँ भरी महफिल में हर बार, सुना देता हूँ भरी महफिल में हर बार, लोग क्या सोचेंगे इन बातों से मुझे अब डर नहीं लगता। कि अगली पंक्तियाँ हैं, मैं इतने इंतजाम कर चुका हूँ, मैं इतने इंतजाम कर चुका हूँ उसे भुलाने का गालिब, अब इस पर किताब भी छप जाए तो मुझे अब डर नहीं लगता। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि हर महफिल में सुनाता रहूँगा ये किस्सा हर बार, कि हर महफिल में सुनाता रहूँगा ये किस्सा हर बार, ये बेवफाई का किस्सा सुनाते हुए मुझे अब डर नहीं लगता।